हाई दियर माई नीम इज मुस्कान एंड यू आर वॉचिंग नॉलेज इसकोड सो टूडे इन दिस वीडियो वी विल सी चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ फोक जो आपका लिटरेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश का है उसका सो विच इज़ फोक थिएटर बाठना ऑफ मंडी एंड सुखेत सो बेसिकली इस चैप्टर में जो फोक थिएटर हैं हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट एरिया के जिसमें करियाला शिमला का है जैसे हेरिंग फूक इन और का है आपके हरनाथुर हमीरपुर साइड का है इस तरह के फोक थिएटर के बारे में देखेंगे हम शॉर्ट स्टोरीज़ देखेंगे फोक थिएटर के अंदर, राइट और जो बाटना है उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ है वो सारी चीज़ें देखेंगे सो गाइज बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड नेवर फॉरवर्ड टू हिट बेल आइकन सो

सो फोक थिएटर इन हिमाचल प्रदेश हैज़ टू प्रोमिनंट एक्सप्रेशंस वन रिलीजियस एंड अदर कॉमिक स्टोरिक तो कहता है कि जो फोक थिएटर जो हिमाचल प्रदेश में होते हैं उसके दो एक्सप्रेशन हैं एक तो रिलीजियस परस्पेक्टिव है उसका एस्पेक्ट है राइट एंड अदर वन इज़ योर कॉमिक स्टोरिक सो अ ब्लैंड ऑफ बोथ विद एम्फ ऑन लेट फाइन्स एक्सप्रेशन इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ प्रदेश एंड इज़ नॉन इन इट्स विदियस अस्पेक्ट जो फोक थिएटर है वो आपको हिमाचल प्रदेश में जो है वो सारी जगहों पर मिलेगा राइट इसका दोनों ही ब्लैंड मिलेगा मिक्स mix, मिक्सर मिलेगा कॉमिक जिसमें आप किसी का मजाक जो है बनाते हो या, या फिर यू आर मॉकिंग सम वन और एक उस पर रिलीजियस एस्पेक्ट भी होता है राइट सो so ये कहते हैं कि करियाला जो है वो फोक थिएटर है शिमला का धजा जो है इन बिलासपुर हन्नाथर इन चंबा बघाट इन कांगड़ा हमीरपुर में एंड हरिंगफू इन कन्नौर भाउवा इन ऊना एंड भाटुना इन मंडी एंड सुकेत सो so, ये कुछ फोक थिएटर है जैसे करियाला है वो शिमला है में है धजा जो आपका है आपका बिलासपुर है हनाथर आपका चंबा में है भागटा आपका कांगड़ा और हमीरपुर में उसी तरह से हैरिंग फोक इनौर में है और मंडी और सुकेत में जो है आपका वो बांटना है सो दीज स्टारिक फोक थिएटर्स रिप्रेजेंट ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर रेंज ऑफ थीम्स एंड रीच इन द स्टेट सो ये जो कॉमिक स्टारिक फोक थिएटर है इन में बहुत सारी डाइवर्सिटी है यानी कि विविधता हैं इनकी स्टेजेस में राइट और थीम्स में भी जो कि एक स्टेट में जो है ये हैं दे आर बेसिकली द सेम इन फॉर्म बट देर एक्सप्रेशन इन डिफरेंट एरियाज वेर इन लैंग्वेज रीजनल कॉन्टेक्स्ट

रीजनल कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है राइट right? अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड हो सकते हैं जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग हो सकता है ओरिजिन अलग हो सकता है गाने अलग हो सकते हैं जो मटेरियल इसके लिए यूज़ किया जाता है राइट uh, right? uh, वो अलग हो सकता है बाकी जो है फॉर्म तो सेम ही है इन यस्ट फोक थिएटर ह्यूजली पॉपुलर बट देअ फॉर्म सच एज़ बाटना हैव बट डिसअपियर इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यस्ट ईयर्स का मतलब है कि रिसेंट जो है पास्ट टाइम में पास्ट ईयर में जो फोक थिएटर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था बट देयर फॉर्म्स जैसे जो अभी आ, जो उनके जो बेसिक फॉर्म्स है जैसे बांटना है ये सारे डिसफियर हो गए हैं मतलब जस्ट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं विद द पासेस ऑफ टाइम इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आप कह सकते हो डू टू मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो हमारे फोक थिएटर हैं जो ये हैं ये डिसअपियर हो रहे हैं द फंक्शन ऑफ बांटना इज़ टू एंटरटेन रिफॉर्म एंड रेज अवेयरनेस थ्रू ह्यूमर एंड स्टाइल जो काम होता है बांटना का वो होता है कि मनोरंजन करना लोगों का है ना और उनके बीच जो है एक अवेयरनेस को फैलाना किसी भी इशू को लेकर राइट इट फॉलोज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाफ्टर एंड रेडिकुलाई दैट इट फॉलोज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाफ्टर एंड रेडिकुलाई का मतलब है पहला जो फंक्शन होता है भाटना का वो होता है दूसरों का हंसाना और मजाक बनाना दूसरों का राइट अकॉर्डिंग टू जोसिप एडिसन इज़ टू लाफ मैन आउट ऑफ वाइज एंड फॉलि जोसिफ एडिसन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई इंसान को हंसे है ना आउट ऑफ वाइज एंड फॉली बिल्कुल ऐसे जॉली के मतलब खूब हंसे बांटना में ये होता है कि आप दूसरों का मजाक बनाओ और हंसो मज़ाक बनाओ और हंसो किसी ने आगे से कुछ कहा आपने जवाब दिया आ, उसका जोक बनाया साथ में हंसी भी आई राइट कॉमिक कॉमेडी टाइप आप इसको ले सकते हो इट रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट इंटरप्रेट्स एंड रिक्रिएट्स द सोसाइटी इन विच इट इज रोटेड ये रिकॉर्ड करती है सोसाइटी को और रिफ्लेक्ट करती है यानी कि सोसाइटी में जो हो रहा है वही चीज़ें जो है बांटना में बताई जाती है इंटरप्रेट करती हैं और चीज़ों को ये दोबारा रिक्रिएट करते हैं सोसाइटी में राइट जहाँ से जो है इनकी झड़े होती है यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल माने कोई कॉमिक स्टोरी अगर कोई बता रहा है अब वो किस पे बताएगा जो सोसाइटी में हो रहा है जैसे किसी के बीच दो जनों के बीच झगड़ा हो गया तो वो बताएगा कि किस तरह से फाइट है उसने क्या जवाब दिया राइट right? तो उसी तरह से सोशल इश्यूज पे हो सकता है कोई कॉमेडी करें तो उसी तरह का ये एग्जांपल यहाँ दिया है सोशल इल्स एंड एविल्स ऑपरेशन एंड सुपरस्टिशियस आर टारगेटेड थ्रू डायरेक्ट स्टायर एंड ट्रेडिकल आयरनी इन देर इन दिस इंडिजीनियस रूरल ड्रामेटिक फॉर्म अब क्या होता है कि सोशल जो है सामाजिक जो भी बुराइयाँ हैं उनको जो है उजागर किया जाता है उसमें जो भी अंधविश्वास है उनको टारगेट किया जाता है राइट बांटना वॉज पेट्रोनाइज्ड फॉर अ लॉन्ग बैकिंग्स ऑफ मांडी एंड सुकेत एंड द परफॉर्मर्स इंजॉयड कम्प्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्यूनिटी फ्राम द किंग एंड हिज ऑफिशियल हु इट इज़ बिलीव ऑफन वॉच द परफॉर्मेंस इज कवर्टली एज डेड द लेडीज ऑफ द रॉयल हाउस अब देखो जो बाटना है वो काफ़ी लंबे समय से जो किंग ऑफ मंडी एंड सुकेत थे उनके द्वारा वो इंजॉय किया जा रहा था राइट मतलब ही लाइक्स द बांटना एंड उसके जो ऑफिशल्स थे वो भी देखते थे एंड जो लेडीज थी रॉयल हाउस होल्ड की वो भी देखती थी है ना इन अर्लियर डेज दिस फोक थिएटर वॉज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन पीपल एंड किंग कोर्ट। आरंभ के वक्त में जो बाटना था वो एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज था राजा के बीच में और प्रजा के बीच में क्योंकि जो भी राज्य में हो रहा है लोग अपनी समस्याओं को उस बाटना के जरिए जो है वो बताते थे या फिर कोई इशू है उसको बताते थे उन्हें कोई प्रॉब्लम है वो बताते थे राइट फॉर इंस्टेंस अब एग्जाम्पल दे रहा है देर इज़ अ रेफरेंस टू द किंग ऑफ मंडी हु बैनिश्ड हिज वजीर तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मंडी के जो राजा थे उन्होंने अपने वज़ीर को जो है वो निष्कासित कर दिया क्यों देखिए बिकॉज While touring the town in disguise, he saw a performance of Bhatana in which the players complained that minister extorted money from the people. In this regard, Murari Sharma writes in his significant book Bhatna, it would not be an exaggeration ex to hold that bhatana functioned at the press of Monarchy. देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे इसमें एग्जांपल दिया था मंडी के जो राजा थे उन्होंने जो है अपने वजीर को जो है वो बैनिश कर दिया था क्यों क्योंकि लोगों ने दिखाया बांठना में कि किस तरह से जो मिनिस्टर है वो लोगों से मनी जो है ले रहा है पैसे लूट रहा है राइट सो so, इस रिगार्ड में जो मुरारी शर्मा है उन्होंने अपने जो उनकी बुक है बांटना में तो उन्होंने कहा कि जो बाँटना में जो मुरारी शर्मा इन्होंने कहा कि जो बांटना है वो कार्य करता है कैसे प्रेस की तरह कि वो एक मीडिया की तरह काम करता है मुनाक्की के लिए राइट जो भी राज्य दर्ज वाले हैं उनके लिए द डाइवर्सिटी ऑफ यूज़ ऑन हाउ बांटना औरिजिनेटेड कम्स फ्राम इट बींग ट्रांसमिटेड औरली सो जो ये विविधता है विचारों में कि जो बांटना है किस तरह से ओरिजिनेट हुआ किस तरह से जो है इसका आ, जो है ओरिजिन हुआ या फिर किस तरह से उजागर हुआ सो दैट इज ट्रांसमिटेड ओरली ओरली जो है बाठना जो है वो ट्रांसमिट हुआ शर्मा गिव्स आ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ बाटना एंड ट्रेसिज द वेस्ट पॉसिबल रूट्स ऑफ वर्ड द फर्स्ट इज बंथन विच अल्यूड्स टू ड्रेसिंग अप फॉर द परफॉर्मेंस सो अलग अलग मतलब uh, डिपिक्शन है आपके बाठना की सो पहला है आपका कि बांटना का ओरिजिन किस तरह से हुआ शर्मा गिव्स अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ बांटना एंड ट्रेसिज द वेरी पॉसिबल रूट ऑफ द वर्ल्ड शर्मा ने जो है कुछ कंसाइज हिस्ट्री बताई है राइट ही है ट्राई टू गिव सम इतिहास ऑफ बांटना एंड कि भाई ये बाठना जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो बताने की कोशिश की गई है द फर्स्ट इज़ बंथन पहला जो है वो आपका बंठन है कि भाई ठंड से जो है बांटना निकला है विच मीन्स uh, आप ड्रेस पहन के जो है परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार हो गए जा रहे हो कहीं राइट right? तो हम भी तो कहते हैं बातों बातों में कहाँ इतना बनठन के जा रहा है तो वही मतलब हुआ यहाँ कि बनठन वहाँ से जो है ये शब्द आया है बांटना द सेकेंड इज़ भांत द टाइटल ऑफ पर्सन हु ओवरसो दैलेस कुक्स भांत से आया है ना भांत का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि पहलेस राजा के कुक्स को देखता है राइट इट इज़ सैड दैट वन डे द कुक इन देअ लेटर स्टोराइज द किंग इन स्पर ऑफ द मोमेंट फार डे द किंग सीक्रेटली वॉश देअर एक्ट एंड लेटर लेटर रिवॉर्ड दैम अब क्या हुआ था राजा की जो है वहाँ महल में जो कुक थे वो जो है वहाँ पे मतलब आ, जो है वो अपना जो बाँटना का एक जो आप कह सकते हो पार्ट है वो प्ले कर रहे थे वहाँ पे एक दूसरे के साथ uh, मजाक कर रहे थे या फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से जो है मतलब एक दूसरे को बता रहे थे कोई भी उनका इशू था फॉर एग्जांपल तो फिर सेक्रेटली सिकरेटली से जो है राजा ने देखा अच्छा देन राजा को अच्छा लगा फिर राजा ने उनको रिवॉर्ड भी दिया ही ऑल्सो अपॉइंटेड दैम एज हिज ऑब्जर्वर एंड स्पाई सो राजा ने जो है उनको अपॉइंट कर दिया एज अ ऑब्जर्वर कि देखिए वो और जो आपके गुप्तचर होते हैं एज अ गुप्तचर जो है उन्हें अपॉइंट भी किया अ वेरिएशन ऑफ दिस स्टोरी स्टेट्स दैट फूड रन आउट ड्यूरिंग अ पब्लिक फेस्ट ऑर्गेनाइज बाई किंग एंड द कुक डैन प्रोसीड टू लैंप ऑन हिम कहते हैं कि अब इसमें हुआ क्या स्टोरी में राजा ने जो है वो भोजन पब्लिक के लिए मतलब एक भंडारा टाइप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था जिसके लिए वो खाना बना रहे थे तो वहाँ पे जो है वो उनका मजाक बना रहे थे जो कुक थे वहाँ पे अ थर्ड एस्टिमेट अबाउट द ओरिजिन ऑफ बांटना इज सेट टू बी वर्ड भांड जो तीसरा जो एस्टिमेट uh, लगाया है कि जो बांठना जो शब्द है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वर्ड भांड से विच डिनोट अ कॉमेडी विद मेजर बर्ल्यूस एलिमेंट जो डिनोट करता है ऐसी कॉमेडी जिसमें इलॉजिकल एलिमेंट एलिमेंट्स यानी कि कोई लॉजिक ना हो राइट देर रज़ ऑल्सो स्टोरी अबाउट किंग जालिम सेन हु डिवेलप्ड अ पेंट फूड बॉयल इन हिज माउथ एंड वॉन्टेड इट क्योर विदाउट एनी वन टचिंग इट सो एक स्टोरी है जालिम सेन की जो कि राजा था तो उसके मुँह पे जो है एक Uh, मतलब आप कह सकते हो uh, फुनसी टाइप जो है हो गई थी तो वो चाहता था कि वो उसको जो है वो जो है वो क्योर किया जाए ठीक किया जाए बट उसको टच नहीं करे भाई कोई है ना अ हैप्पी गो लकी मैन फ्रॉम अ विलेज कम टू द कोर्ट एंड मेड द किंग लाफ सो हार्डली विद हिज एक्ट दैट द बॉय ब्रस्ट एंड ड्रेंड ऑफ पस अब क्या हुआ देर वॉज द वन पर्सन हैप्पी गो लक्की पर्सन जो कि गांव से आया था तो उसने राजा को इतना स्ट्रॉन्गली इतना हार्डली हंसाया कि हंसते हंसते जो है उसके मुंह से जो फुंसी थी उसकी पस जो है वो ड्रेन हो गई मतलब वो फट गया अनदर एक्सप्लेनेशन रेफर टू द सिंगर दूसरा एक्सप्लेनेशन है सिंगर का राइट कि भाटना किस तरह से ओरिजिनेट हुआ कि पहला तो ये कि वो आया उसने उसको हंसाया तो भाटना वहाँ से ओरिजिनेट हुआ दूसरा है अनदर

उसने नरेंद्र को बोला कि तुम एजुकेट करो भाई हमें अपने म्यूज़िक के ज़रिए और अपने मनोरंजन के जरिए सो नरेंद्र वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड इंस्ट्रक्ट द मासेस विद सॉन्ग एंड सैरमिन लीडिंग टू द नेम बांटना विच इज़ कंपाउंड ऑफ भानी यानी कि वॉइस एंड थड़ा मीन्स बाठना आ गया ना भानी एंड वॉइस एंड थडा मीन्स प्लेटफॉर्म सो वो गांव-गांव जाता था लोगों को जो है अपने संगीत के जरिए जो है वो बताता था राइट right? और कोलेक्टिवली ऑल द प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड ब्रिंग आउट असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्म अंपल प्लॉट एंड ब्रस्टिक डायलॉग स्पेशल कस्टम्स टायर बॉल्यूस्यूज एंड मेमिक्री म्यूजिक एंड डांस एडिफिकेशन एंड अवेयरनेस एंड अनरिस्ट्रेन ह्यूमा अब ये तो बता दिया है कि बांठा का जो वर्ड है वो ओरिजिन किस किस तरह से हुआ चार पांच चीज़ें आपने देख ली है अब कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि जो वर्ड है इसका ओरिजिन जो है इस बताता है ब्रिंग आउट करता है एसेंशियल करैक्ट्रिस्टिक ऑफ फॉर्म कि भाई जो बांठा है वो सिंपली प्लाट किया जाता है दे आर रस्टिक डायलॉग्स होते हैं इसमें स्पेशल कस्टम होता है लोग एक दूसरे का मजाक बनाते हैं इट्स कैन बी अ म्यूजिक एंड डांस फॉर्म में अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाते हैं राइट अनरिस्ट्रेंड ह्यूमर जो है ये होता है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री टू स्कॉलर होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ बाटना अशोक हंस इन हिज सेमिनल बुक बाटना एक थी लोक नाट्य परम्परा एक ठेठ लोक नाट्य सॉरी सेज दैट राजा वी सेंट सेंट हिज पुरोहित नजेंद्र गॉड टू विलेज इन सेवन सिक्सटी फाइव सी ई हैंज एट्रीब्यूट द किंग कमीशन टू हिज डिज़ायर टू विन द लव ऑफ हिज न्यूली कॉन्ड सब्जेक्ट एंड टू रील लाइव देअ फियर्स ऑफ न्यू रूलर अब कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री टू इतिहास में अगर देखें स्कॉलर के डिफरेंट ओपिनियन है ओरिजन और बाठना के अशोक जो हंस है अपने सेमिनल बुक में जो बाठना एक ठेठ लोक नाट्य परंपरा उनकी ये बुक है उन्होंने कहा कि जो राजा वीर है अपने पुरोहित को उन्होंने जो है विलेज भेजा भाई है ना हैंज एट्रीब्यूट द किंग कमीशन टू हिज डिज़ायर टू विन द लव ऑफ़ न्यूली लीक सब्जेक्ट एंड टू रिवील द एफेयर्स ऑफ न्यू रूलर नरेंद्र सिंह कनवार हाव एवर ऑब्जर्व इन हिज रिसर्च पेपर एंड टाइटल बांटना पब्लिश्ड इन लोक रंग मंच पर हिमाचल प्रदेश की लोक नाट्य विधाएँ दैट एविडेंसिज ऑफ ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ बांटना इज़ नॉट अवेलेबल ऑलियर देन द एलेवंथ सेंचुरी तो ये जो लोक रंग मंच पर हिमाचल प्रदेश की लोक नाट्य विधाएँ तो इसमें जो है आपके बांटना जो एंड था वो पब्लिश हुआ तो ये बताते हैं कि इसमें एविडेंस मिलते हैं कि एलेवेंथ सेंचुरी से पहले जो है वो आ, कोई भी एविडेंस मतलब इसके नहीं मिलते थे राइट एमिनेंट राइटर एंड क्रिटिक मोलू राम ठाकुर ऑन दी अदर हैंड इज़ दी ऑफ ओपिनियन इन हिमाचल लोक नाटके और लोक जो आपके मनोरंजन है दैट बाटना ओरिजिनेटेड इवन लेटर बिटवीन 1268 एंड 1303 एंड रीच्ड इट्स एक्यूम इन द सेवेंटी सेंचुरी अब मोलू राम ठाकुर का कहना है कि जो बाटना जो है ये ओरिजिनेट हुआ था बारह सौ साठ से तेरह सौ तीन के आसपास राइट तो दीज आर द डिफरेंट ओपिनियन बेसिकली ओरिजिन ऑफ बांटना वर्ड इसमें बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं कनवार ऑल्सो रेफर टू अ क्लेम्ड बांटना आर्टिस्ट नारायण दास हु द फर्स्ट टू लीव द गुरु शिष्य ट्रेडिशन एंड टू ब्रिंग बांटना टू मासस कनवार ने ऑल्सो बताया कि जो बांटना जो है ये जो है पहले जो आर्टिस्ट थे नारायण दास उनसे स्टार्ट हुआ गुरु शिष्य परम्परा से राइट फर्स्ट ये ट्रेडिशन हुआ और उन्होंने जो है मासेस तक यानी कि लोगों तक जो है इसको पहुँचाया ही इज सैड टू हैव रिटर्न बाटना नाथ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ट्रिटीज़ ऑन द क्राफ्ट इन हिज टांक्री लैंग्वेज बांटना नाथ जो है उनकी पहली जो है नॉन ट्रिटी थी जो उन्होंने लिखी थी टाँकरी लैंग्वेज में दास गिव्स एन एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ बाटना converse states that das performed bantna from 1850 to 1902, vikram samvat, that is between 1793, say 1835. sharma provides a plausible beginning of bantna in the good-humored banter of villagers as they worked and rested together in a time of community labor, such as cutting grass, spreading manure, during wedding and feasts. etc the occasions were marked by light retorts and healthy wit that refreshed and entertained with time a stock of such repartee may have graduated into short sense of swangs अब इसमें क्या बताया गया है बेसिकली जो बाँचना नाथ है दैट वॉज अर्लीस्ट ट्रिटी थी ये जो कि डांक टेलीफी में लिखी गई थी देन दास ने जो है ही वॉज एन अदर पोइट जिन्होंने जो है एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन दिया है आर्ट और क्राफ्ट ऑफ बांटना का एंड कन्वार ने कहा कि जो है दास ने परफॉर्म किया था बांटना अठारह सौ पचास से उन्नीस सौ दो में विक्रम सावंत के टाइम राइट right? जो कि सेवनटीन नाइन्टी थ्री से एटीन थर्टी फाइव के आसपास था और जो शर्मा है दे हेड ऑल्सो यू नो गिवन डिस्क्रिप्शन अबाउट बांटना कि किस तरह का है ये इट्स अ गुड ह्यूम बैंटर ऑफ लेचर्स एज दे वर्कड एंड रेस्टेड टूगेदर तो ये जो बांटना है ये परफॉर्म किया जाता था जब लोग जो है वो कम्यूनिटी में काम करते थे लेबर वर्क करते थे फिर रेस्ट करते थे उस टाइम वो ये सारी चीज़ें जो हैं की जाती थी अलग अलग ओकेजन्स में जैसे कि वो अगर घास काट रहे हैं तब गोबर जो खाद है वो Uh, जो है स्प्रेड कर रहे हैं तब वेडिंग के टाइम मुंडन के टाइम बहुत सारी चीजों जब भी इस तरह के ओकेजन होते थे तब राइट right? तो बांटना का जो ओरिजिन है वो इस इस तरह से हुआ कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जगहों में भी जो है इसको परफॉर्म कर रहा ऑल दो द रिपोर्टर ऑफ एक्टर्स और सवानगीज लिमिटेड टू अ फ्यू सीन्स एंड सच एज ऑफ साधु चंद्रौली माल साहिब मैम मनमोहिनी बुज डो मकारा एक्सेट्रा कंसिडरेबल इम्प्रोवाइजेशन अकर्ड वाइल्ड परफॉर्मिंग टू कीप द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस अ लाइफ सो जो एक्टर थे जो स्वांगीज थे वो कम होते थे उनके सीन और करेक्टर उस टाइम उतना कुछ ज़्यादा प्रचलित था नहीं जैसे साथ धुके वो पेश कर देते थे है ना माला साहिब एंड मन मोहिनी इस तरह के जो है करेक्टर हुआ करते थे उस टाइम है ना दे यूज टू परफॉर्म फॉर द ऑडियंस एंड वो ऑडियंस का इंटरेस्ट देखते थे रेलिवेंस देखते थे चीज़ों को फिर जो है वो कनेक्ट करते थे द स्वीज टुक थीम्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड प्रजेंटिड द इन कींग कॉमिक लैंग्वेज विच वॉज अ ब्लैंड ऑफ प्रोज वर्स एंड प्रोवर्व एल्यूजनस एंड इंस्टेंसेज सो so, जो स्वांगी है वो थीम कॉमन थीम कोई भी ले लेते थे लोगों की लाइफ से है ना कृषि के बारे में ले लिया मैरिज के बारे में ले लिए या फिर पशुओं के बारे में ले लिया तो इस तरह की चीज़ें वो लेते थे और एक कॉमिक लैंग्वेज में जो है वो बताते थे द सीन्स इन द परफॉर्मेंस वर पीस्ड टुगेदर बाय द सूत्रदार हु वुड कैच एंड लिंक दीज कंटेम्प्रेरी थीम्स टू सेट द स्वानग्स दैट फॉलोड जो सीन्स हैं जो परफॉर्म किए जाते थे जो सूत्रधार है जो डायरेक्टर आप कह सकते हो उन वो उसको कैच करता था वो उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट उसका करता था और लोग जो है उसको फॉलो करते थे भी परफॉर्म की कि किस तरह से करना है यानी कि सूत्रधार एक तरह की डायरेक्शन देता था परफॉर्मेंस और बांटना वर नॉट रिहर्स एंड ड्री अपॉन द क्विक विस एंड निम्बल रिपोर्टरी ऑफ दिस द सूत्र असवानज यूज्ड कॉमन सीन्स एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स स्क्रिप्ट द स्वांग्स वर पास डाउन टू न्यू सेट ऑफ एक्टर थ्रू रिपीटेड एंड एक्टमेंट ऐसा नहीं है कि जो बाटना की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए रिहर्सल की जाती थी या फिर कुछ स्क्रिप्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता था बल्कि जो वो जो है कलेक्टिव होता था ऑडियंस ने कुछ कहा उन्होंने फिर उसके ऊपर कुछ कहा फिर ऑडियंस ने कुछ कहा फिर उन्होंने उसका रिप्लाई दिया फिर ऑडियंस ने रिप्लाई दिया उन्होंने उसके ऊपर कुछ कहा इस तरह की चीज़ें जो है होती रहती थी एज बांटना डिड नॉट हैव है स्क्रिप्ट द सॉन्ग्स वर पास डाउन टू न्यू सेट ऑफ एक्टर थ्रू रिपीटेड एन जैसे मैंने आपको बताया बांठना की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी लोग बोलते थे कुछ फिर ऑडियंस सॉरी जो एक्टर्स थे वो बोलते थे उनका रिप्लाई होता था इस तरह की चीज़ें होती थी वन टू वन इन डायरेक्शन आप कह सकते हैं किसी ने कुछ बोला फिर जवाब दिया फिर आपने कुछ बोला फिर उसने जवाब दिया ओवर द ईयर्स अ स्वानगी मास्टर्ड वन और टू रोल्स एंड वन एज इन डेथ अप्लाइड हिम टू पास ऑन द बैंटन द स्वानगी हुवानग इन न्यूबरेबल टाइम्स एंड इंटरनलाइज इट फॉर अ परफेक्ट परफॉर्मेंस सो जो लोग हैं ना ओवर द ईयर्स दे बिकम अ मास्टर बन गए थे वो सॉन्ग्स में क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो देखते थे चीज़ों को राइट दे यूज टू वॉच अनगिन टाइम एंड फिर उस चीज़ को उन्होंने इंटरनलाइज कर दिया था फिर अपने अंदर मतलब अपना दिया था इतने जो है वो उसमें अच्छे हो गए थे आपकी परफॉर्मेंस में ट्रडिशनली वमेन डिड नाट परफॉर्म एनी रोल इन बाटना वो जो वुमेन हैं वो उसका उनका कोई भी रोल नहीं होता था मतलब भाजना में वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी राइट right? इसका मतलब है कि भुदुशी करते होंगे सो देयर इज़ वन एट अनदर पॉइंट जो है गुमा की खान का स्वांग जो कि एक माइनिंग uh, सॉल्ट uh, जो है आपकी सॉल्ट माइनिंग है उस पर है कहानी सो so, इस कहानी को हम जो है सेकेंड वीडियो में वो कंटिन्यू करेंगे अभी जो के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही काफ़ी आई होप कि आपको यही लग गया होगा पता फोक थिएटर में दो तरह का एस्पेक्ट होता है रिलीजियस एंड कॉमिक्स टैरिक राइट और ओरिजिन किस तरह का हुआ किस तरह किसका एवोल्यूशन था किस तरह की हिस्ट्री थी किसने अपने कौन कौन से बुक में क्या डिस्क्रिप्शन दिया आपको ये पता लग गया होगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप इसे दोबारा रीड कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जितना ज़्यादा आप समझेंगे तो मेरे मेरा ख्याल है कि उतना बेहतर रहेगा राइट right? और बाकी जो ये गोमा की खान है इसको जो है हम वो दूसरे वीडियो में जो है फिर कंटिन्यू कर लेंगे सो फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है ना एंड डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन So bye and take care.